वेलकम इन लर्निंग एस जी जी बेस्ट है। लर्निंग एस जी जी बेस्ट है में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिपबोर्ड ब्लॉक का प्रयोग करना और फॉन्ट ब्लॉक का प्रयोग करना और अलाइनमेंट ब्लॉक का प्रयोग करना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल ओपन हो गया हमारे सामने। इसको यहाँ से हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको साफ दिख सके। उसके बाद आज हम होम टैब के अंदर सीखेंगे क्लिपबोर्ड ब्लॉक का प्रयोग करना और फॉन्ट ब्लॉक का प्रयोग करना और अलाइनमेंट ब्लॉक का प्रयोग करना, इसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कट कॉपी पेस्ट। वैसे ये जो टूल्स हैं ये बेसिक है, जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था, नोटपैड में, वर्डपैड में इन टूल्स का यूज़ आपने सीख लिया था और इसका भी सीख लिया था। अगर आपने वहाँ नहीं सीखा है तो पहले उस वीडियो ट्यूटोरियल को देखिए, सीखिए और उसके बाद एक्सेल में आइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइप करते हैं जैसे एल ई ए आर एन लर्न इन एस जी जी वी एस टी आई। हमने टाइप किया लर्न इन एस जी जी वी एस टी आई। अब अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जा रहा है। हमने टाइप किया था इस सेल के अंदर, लेकिन देखिए ये इस सेल के अंदर भी आ रहा है, तो हमें सेट करना है। तो इसे सेट कैसे करेंगे, एक सेल के अंदर फिक्स कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए जब एरो लेके जाएंगे तो देख रहे होंगे आप इस तरह का एरो बन रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपका सेल जो है इस तरह का फॉर्मेट ले चुका है, ये शिफ्ट कर लिया इस चीज़ को, यहाँ पर सेट हो गई। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है फॉर्मेट में, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए ऑटो फिट रॉ हाइट, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसको कॉलम को भी फिट करना है, तो ऑटो फिट कॉलम विद कर दीजिए। तो देखिए ये फिट हो गया, ये इस तरह से फिट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं यू ट्यूब चैनल सी एच ए डबल एन ई एच चैनल, यूट्यूब चैनल टाइप कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ कर देते हैं एल आई एफ ई लाइव वीडियो टाइप कर दिया हमने और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाके देखिए ये कलर्स हैं, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं फॉन्ट कलर। यहाँ पे मैं इसको ये वाला कलर कर देता हूँ रेड। उसके बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन देखिए दो तरह के हैं, एक तो सिंगल और एक डबल। अगर आप सिंगल करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए और डबल करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पे क्लिक कीजिए, डबल अंडरलाइन पे। उसके बाद हमें बोल्ड भी नहीं करना है तो ये हटा देते हैं, इटैलिक भी हटा देते हैं और अंडरलाइन भी हटा दिया। उसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो देखिए यहाँ ऊपर गए और यहाँ से क्लिक करके ये वाला फॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा है, इसको हमने ले लिया। उसके बाद साइज यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉन्ट साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी फॉन्ट साइज आपको चाहिए। देखिए ये फॉन्ट साइज है यहाँ पे, और यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसके चारों साइड ये ब्लैक ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, तो उसी तरह हम चाहते हैं ये जो हमने टाइप किया है लर्न इन एज जी जी बेस्ट है इस सेल के अंदर भी चारों साइड से बॉर्डर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे जाइए बॉर्डर पे, बॉटम बॉर्डर, उसके बाद क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए दिया है थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये बॉर्डर हो गया इसके अंदर, देख रहे हैं आप बॉर्डर हो चुका है ये। उसके बाद इस पर हमने क्लिक किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे गया फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसा फॉर्मेट ये है लर्न इन एस जी जी बेस्ट आई, उसी फॉर्मेट में यूट्यूब चैनल भी लिख गया। तो ये कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले
जो फॉर्मेट आपको कॉपी करना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग है, इसकी डिज़ाइन है या कलर है, ये मुझे पसंद है, मैं इसी तरह इसको करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर लेंगे। फॉर्मेट पेंटर यानी डिज़ाइन कॉपी करेंगे हम। तो इस पर क्लिक किया, जब फॉर्मेट पेंटर पर आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे, एक तरह से कॉपी होता है, डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं, तो देखिए इसके चारों साइड ये ब्लिंक कर रहा है, एक बॉक्स की तरह लाइन आ गया है जो कि ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इस पर आपने कमांड कर दिया है, कमांड हो चुका है। और देखिए आपके एरो में एक ब्रश आ गया है, बस आपको जहाँ पे ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिस भी वर्ड को या नंबर को, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे ये लिखा हुआ टैक्स है, तो इसके मैं करना चाहता हूँ डिज़ाइन इसी तरह का, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा एक बार, तो देखिए वही डिज़ाइन इस पर अप्लाई हो चुका है, बन चुका है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे टाइप कर रखा है वीडियो, और यहाँ पे भी टाइप कर दिया इस सेल के अंदर वीडियो, और यहाँ पे भी टाइप कर दिया आपने वीडियो, ठीक, आपने यहाँ भी टाइप किया है वीडियो, यहाँ भी वीडियो, और यहाँ भी वीडियो। आप मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करके हम एक बार डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं, और इस पर भी और इस पर भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको इस पर पावर बनाना होगा डबल। डबल पावर बनाने के लिए क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर ये जो है इस पर डबल क्लिक कीजिए, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास डिज़ाइन जो है वो कॉपी हो चुकी है डबल फॉर्मेट में, तो उस पर क्लिक करते जाइए। और फिर देखिए ब्रश है आपके पास, इस पर भी क्लिक कीजिए, इस पर भी क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके एरो में अभी भी ब्रश है, तो अब आपको नहीं इसका ज़रूरत है, तो यहाँ पर जाके बंद कर दीजिए। देखिए फॉर्मेट पेंटर ऑन है, इस पर देखिए तो संतरी कलर का एक कलर फिल हो रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये अब काम करना बंद हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए कट, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कट हो गया, कट होने पे भी ये ब्लिंक करता है। उसके बाद हम पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं, हम पेस्ट करने चाहते हैं इसके अंदर यहाँ पर एच वाले कॉलम में, यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने, और यहाँ पर गए पेस्ट ऑप्शन पर, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सबसे फर्स्ट पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी, जो कि आप पहले सीख चुके हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए पेस्ट पे, तो देखिए वो चीज़ कट हो के यहाँ पे पेस्ट हो गया, और यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, ये सेट हो गया, ठीक, अरेंज हो गई है। तो इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमने अभी फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ सीखा था, अब कॉपी का यूज़ सीख लेते हैं। कॉपी के लिए क्या कीजिए, जैसे हमें ये करना है कॉपी, इस पर क्लिक किया हमने, और इसे क्लिक करने के बाद हमें कॉपी करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पर कॉपी पर, कंट्रोल प्लस सी भी कर सकते हैं कॉपी के लिए, और इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आके कर दीजिए पेस्ट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऊपर, ये देखिए पेस्ट होके आ गया, कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। उसके बाद हम आते हैं शीट टू पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए शीट टू पे, और इसको भी हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर टाइप करते हैं पहले हम वीडियो, हमने टाइप किया वीडियो। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है, तो उसके लिए क्या कीजिए, जैसे कि हमें पहले मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज यानी कुछ एरिया खाली करने पड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भी सेल है, यहाँ भी सेल है, तो कुछ एरिया हम बना लेते हैं जिसके अंदर हम टाइप करेंगे। तो मान लीजिए इतना एरिया हमें खाली कर लेते हैं, और यहाँ पर जाते हैं, ये मर्ज एंड सेंटर बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाइए मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर दीजिए, हमने क्लिक कर दिया इस पर। उसके बाद इसके अंदर हम टाइप करते हैं वीडियो, वी आई डी ई ओ, वीडियो टाइप किया हमने। अब देखिए तो वीडियो जो हमने टाइप किया है ये एक टेक्स्ट है जो कि बॉटम में है, यानी नीचे साइड में है। अब इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, या इसको ऊपर साइड में रख सकते हैं, या इसको चाहे आप तो लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो इसको सेंटर साइड में रख सकते हैं, या अगर आपको मन करे तो राइट साइड में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। और देखिए यहाँ इंडेंटेशन भी दिया गया है, जो कि आपने एमएस वर्ड में सीखा था, इंक्रीज इंडेंटेशन है ये डिक्रीज इंडेंटेशन है, इस तरह से इसको इधर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो एक टेक्स्ट है, इसको डिजाइन भी करना है हमें, तो डिजाइन करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिलते हैं, जैसे वर्टिकल टेक्स्ट, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, हम इस पे करते हैं वर्टिकल, तो
तो देखिए वर्टिकल हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है। हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, हम थोड़ा सा एरिया और खाली करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया हमने और गए हम मर्ज पे और फिर से क्लिक कर दिया, हो गया। उसके बाद यहाँ पे गए सबसे पहले वाला करके देखिए, तो देखिए इस तरह से आ रहा है। उसके बाद सेकंड वाला इस तरह से और इस तरह से और ऐसे और इस तरह से, और उसके बाद देखिए लास्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी। उस विंडो के अंदर देखिए तो यहाँ पर रेड कलर का ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है आपको। इस पॉइंट को लेके आप वहाँ पे रख दीजिए जितना आपको घुमाना है टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद ओके कर दीजिए, तो देखिए ये घूम चुका है उतना, ठीक। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा क्लिपबोर्ड ब्लॉक का प्रयोग करना, फॉन्ट ब्लॉक का प्रयोग करना और अलाइनमेंट ब्लॉक का प्रयोग करना। और भी वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए और सीखने के लिए लर्न इन एज इज बेस्ट आई का ये YouTube चैनल है, यहाँ पे क्लिक करके इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। या अगर आप इसके किसी वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं तो देखिए वीडियो के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि लर्न इन एज इज बेस्ट आई का वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो इस पे अपलोड किया जाएगा या डाला जाएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो लर्न इन एज इज बेस्ट आई लाइव चैनल को यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और लर्न इन एज इज बेस्ट आई डॉट कॉम ये इंडिया का सबसे बड़ा वेबसाइट है और कंप्यूटर का नंबर वन वेबसाइट है। यहाँ पर आप कंप्यूटर से और मोबाइल से संबंधित कुछ भी सीख सकते हैं। और देखिए जब आप इस पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो दिया गया है, इंट्रोडक्शन वीडियो है भारत का नंबर वन संस्था, इस वीडियो को प्ले करके ज़रूर देखिए। इसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि साइट के अंदर क्या क्या है और कैसे सीखना है। और यहाँ पर क्लिक करके लर्न इन एज इज बेस्ट आई फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।